नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हमले ने देश भर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस मामले पर बयानबाजी का दौर भी अब शुरू हो गया है। इस मामले पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ममता सरकार की कड़ी निंदा करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि टीएमसी के ताबूत में यह अंतिम कील है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के बड़े नेताओं पर हमला कर दीदी ने बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता को ललकारा है। आप भी सुनिए उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा। जिस प्रकार से आज बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जी के काफिले पर हमला हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? ये निंदनीय कृत्य है और ये बौखलाहट और घबराहट तृणमूल की। ये ममता दीदी के जो माफिया है, जो प्रायोजित रूप से इस तरह की भाजपा के कार्यकर्ताओं को डरपाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे भाजपा कार्यकर्ता डरेगा नहीं, ना भाजपा का कार्यकर्ता झुकेगा। मैं स्वयं अभी पश्चिम बंगाल में ही हूँ 3 दिन से, और मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से उनका माफिया डरपाने की कोशिश कर रहा है, और जैसे जैसे वो डरपाने की कोशिश कर रहा है वैसे वैसे हमारा कार्यकर्ता और जोश और जुनून में आता है। जनता मन बना चुकी है, ममता दीदी अब आपकी सरकार रहने वाली नहीं है। ये आज का हमला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आपके ताबूत में आखिरी कील होगी। भाजपा के एक एक कार्यकर्ता के जमीर को ललकारा है आपने, और वो जमीर का जवाब इस विधानसभा के चुनाव में आपको देने वाली है जनता भी और भाजपा भी। आपको बता दें कि गृह मंत्री पिछले 3 दिन से पश्चिम बंगाल में ही हैं। जेपी नड्डा का भी पश्चिम बंगाल में आज दूसरा दिन है। बताया गया है कि दक्षिण 24 परगना में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा का काफिला रोकने की कोशिश की। इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की, जिस पर अब बवाल मच गया है। बीजेपी नेताओं के साथ जो कुछ हुआ, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे वीके न्यूज़ एमपी। धन्यवाद।